नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ए एस एजुकेशन क्लासेज में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ये हमारी जो सीरीज चल रही है इस सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट है जनरल साइंस का तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें साथ ही साथ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें तो दोस्तों इससे पहले हम जनरल साइंस सीरीज के थ्री वीडियोज अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्ले में जा करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है लाइट इज यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है तो ये हमें बताना है तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है उसका जो पहला ऑप्शन है वो है टाइम का यानी कि समय का ऊर्जा का एनर्जी डिस्टेंस दूरी का द्रव्यमान का तो दोस्तों प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज मेजर की जाती हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू बिच इज अस एनिमल कौन शिशु प्रोजेक्ट जंतु है यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कौन से जंतु हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीबी पैरस एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट शिशुओं को जन्म देते हैं और वो बी पैरस एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो पहले अंडे देते हैं उनसे बच्चे निकलते हैं तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मछली दूसरा है छिपकली तीसरा है मेढक चौथा है मनुष्य तो दोस्तों जो इनमें से जो बीबी एनिमल है वो है मनुष्य क्योंकि मनुष्य सीधे बच्चों को जन्म देता है बाकी के ये जो तीनों ऑप्शन है वो अंडे देते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री अट सॉल्यूशन इज साबुन एक साबुन का बिलियन होता है यानी कि साबुन का हमें बताना है साबुन का बिलियन कैसा होता है एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है या कोई नहीं होता है तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा क्षारीय साबुन का जो बिलियन होता है सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है इसका जो पीएच होता है वो पीएच सेवन से ऊपर होता है अब सेवन जिनका पी वैल्यू सेवन से ऊपर होता है उन्हें हम एल्कलाइन बोलते हैं जिनका पी एच, एच से नीचे होता है उन्हें हम एसिडिक बोलते हैं तो सावन का जो पीएच वैल्यू होता है वो सात से ऊपर होता है इसलिए ये एल्कलाइन नेचर का होता है तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर उव गिवन इंडियाज ओनली एफ इज फाउंड इन लॉक गिवन पाया जाता है तो पहला ऑप्शन है भरतपुर में भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि घाना पच्ची भी बोलते हैं इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काना किसनी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो इसका जो ऑप्शन है इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर का कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में स्थित है आसाम में स्थित है ये कांजीरंगा नेशनल पार्क उसमें ये उबन, गिव उलोग गिवन नाम का बंदर पाया जाता है ऐप पाया जाता है

तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द टेस्ट फॉर वेवी टू बी बॉडी और नॉट इज किसी वस्तु के आवेश होने का अधिक निश्चित परीक्षण है अगर उसमें आवेश होगा तो उसका सबसे वैल्यूबल टेस्ट क्या होता है तो पहला ऑप्शन है आकर्षण दूसरा है प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण ना तो आकर्षण ना प्रतिकर्षण तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिकर्षण रिपल्सन यानी कि अगर उसमें आवर्ष आवेश होगा आवेश होने का प्रमाण हमें निश्चित करना है तो उनमें रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन दी फंग, फंक्शन ऑफ एस सी एल इज एस सी एल का मुख्य कार्य क्या होता है एस सी एल के बारे में मैं आपको बता दूं एस सी एल एक एसिड होता है जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है यानी कि पेट में पाया जाता है और जो ये पीएच बनाने का पीएच जो होती है उसको मेंटेन करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है साथ ही साथ ये बैक्टीरिया वायरस जो हमारे खाने के साथ चले जाते हैं उनको भी ये डेस्टोर करने का काम करता है तो इसका पहला ऑप्शन है अवशोषण को सुगम बनाना पेप्सिन निर्माण पीएच मान को बनाए रखना सूची जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न पीएच बनाए रखना आमाशय में श्रावित एंजाइम को घुलना तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा पैप्सन निर्माणहित कम पी मान को बनाए रखना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द रिएक्शन जिंक यानि कि प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मिश्रण जस्ता सल्फेट मिश्रण कॉपर इंगित करता है कि धातु जो प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देती है यानी कि इस जो रिएक्शन हो रही है आपकी जस्ता यानी कि कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट सॉरी जस्ता को जिंक बोलते हैं जेड एन प्लस कॉपर सल्फेट जेड एन प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है तो इसमें जो प्रतिक्रियाशील कम दिखाई दे रही है वो होगी कॉपर क्योंकि कॉपर जो होती है वो कम प्रतिक्रियाशील होती है कम रिएक्टिव होती है जिंक की अपेक्षा जिंक इसको सॉल्यूशन में से प्रतिस्थापित कर देता है अलग कर देता है जैसा रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कॉपर अलग हो गई अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जैसा कि हम जानते हैं प्रतिक्रियाशील धातु होती है वो सबसे ज़्यादा सोडियम होती है क्योंकि सोडियम को इसी के लिए इसीलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में ये बायो के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है जो जलने लगता है इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ये सबसे प्रतिक्रियाशील धातु होती है अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन एक जलीय बिलियन में लाल लिटमस बिलियन नीले रंग में बदल जाता है रेड लिटमस वो ब्लू में बदल जाता है यानी कि नीले में बदल जाता है निम्न निम में से कौन सा बिलियन बदलने के लिए विपरीत होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिलियन बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चुना तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो नीले से लाल में बदल देते हैं और क्षार होते हैं वो लाल से नीले में बदल देते हैं तो इसके विपरीत पूछा है रेड से ब्लू हो रहा है तो ब्लू से रेड होगा वो होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यू टू मेकिंग पेंसिल लीड निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है जो पेंसिल होती है उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है सल्फर कोई नहीं इरा ग्रेपैड तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रेपैड एक नॉन मेटल होती है ये हीट की गुड कंडक्टर होती है इसमें इसके उपयोग इस इसका जो यूज किया जाता है वो पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ब्रिज बन ऑफ द फॉलोइंग इजीप वीड निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवार है खरपतवार के बारे में मैं आपको बता दूं खरपतवार बार ऐसे पौधे होते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ उगाते हैं तथा उनको पोषण के प्रति कंपटीशन रखते हैं यानी कि उनका जो पोषण है वो स्वयं खा जाते हैं उन्हें हम खरपतवार बार कहते हैं ये फसल के लिए हमेशा हानिकारक होते हैं क्योंकि उनका जो पोषण है वो इनके समय चला जाता है तो पहला ऑप्शन है राइस मक्का बतुआ गेहूँ तो जो बतुआ होता है चीनोपोडियम वो एक खरपतवार की श्रेणी में आता है अगला क्वेश्चन है कुछन बिच बन ए में से कौन सा बन उत्पाद नहीं है नायलॉन कास्ट गोन सहित दोस्तों हमें नायलॉन वन से प्राप्त नहीं होता है, है? नायलॉन तो एक सिंथेटिक पॉलीमर है यानी संश्लेषित बहुलक है जो कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है जिसके कई सारे चीजों में इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक बनाने में तो लकड़ी यानी कास्ट गोंद शहद ये सब वन उत्पाद होते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सॉरी वन करेक्ट होगा नायलॉन अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम वाली प्रकाश किरण है दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है इस प्रकार का इसमें एक किरण निकलती है और अपने सात रंगों में डिवाइड हो जाती है इसको हम दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं इसमें जो कलरों का जो क्रम होता है वो वी आई बी जी बाई ओ आर की श्रेणी में होता है यानी कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दहरे सबसे ज़्यादा होती है और जो बॉयलेट रंग होता है बैंगनी उसकी तरंगदर्य सबसे कम होती है तो इसमें हम देखते हैं लाल ऑप्शन है क्या तो बॉयलेट है पहला ऑप्शन दूसरा है रेड तीसरा है ग्रीन चौथा है ब्लू तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल किरणें लाल कलरों की तरंग दहरे सबसे ज़्यादा होती है सबसे कम होती है बॉयलेट की अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जब वस्तुओं को तापी रूप से संपर्क में लाया जाता है गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडू वस्तु द्वारा उस, ग्रहण उष्मा से होती है तो पहला है समान कम कह नहीं सकते अधिक तो इसका जो आंसर होगा वो समान क्योंकि दोनों का जब टेम्परेचर समान हो जाता है संपर्क में लाया जाता है तो उसका जो ताप का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एट हाइट एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज देन एट सी लेवल ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में बायोदाब होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हम समुद्र समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं जो एयर प्रेशर है वो कम होने लगता है जिसकी वजह से जो पर्वतारोही है उनकी नाक से खून बहने लगता है पर्वत पर, पर, पर चढ़ते समय क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है और एयर का जो प्रेशर है वो कम होता है इस वजह से उनकी नलियाँ फट जाती हैं बीन्स जो नशें होती हैं वो फट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लगता है तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सामान अधिक कम कुछ नहीं कहा जा सकता तो इसका ऑप्शन होगा नंबर थ्री कम क्योंकि ऊपर ऊपर जाते हैं जैसे जैसे हम तो एयर का प्रेशर है बायोदाब होता है वो कम होता चला जाता है और बायो को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं और गैसों के दाब को हम जो मेजर करते हैं वो मैनोमीटर से करते हैं मैनोमीटर ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरे पर वोल्टेज पर इनमें से कोई नहीं केवल इसके प्रतिरोध पर केवल इसके सिरों सिरों के वोल्टेज पर तो दोस्तों जैसा कि आपने ओम का नियम पढ़ा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी बराबर आर आई तो, और आर बराबर होता है बी अपॉन आई आर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है भी वोल्टेज होता है आई करंट होता है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर तो ऑप्शन नंबर

कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने उसी के नाम पर इसका गोलजी बॉडी रखा है इसका सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है सेल में सीक्रेशन का कार्य करना श्रावण अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है तांबा सोना एल्यूमिनियम चांदी तो दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है अच्छा सुचालक होता है वो होता है चांदी सिल्वर यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है क्योंकि सिल्वर में सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालन बहुत अच्छे तरीके से होता है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बीस क्वेश्चन सीरीज फोर सीरीज फोर के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सीरीज फाइव के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत